क्या बात है लक्ष्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, और दिन में तुम्हें सुंदर नहीं लगती? अरे भगवान, मैं मजाक ही तो कर रहा था, पर नाराज क्यों होती हो? अच्छा, सारे दिन मजाक ही करते रहा करो, थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लिया करो। नमस्ते पापा जी। आ बेटा मेरा वीर आ गया, नमस्ते अम्मी जी। बैठ बेटा। आ गया मेरा बेटा वीर, मेरा गुमान, मेरा बेटा। ए लक्ष्मी, मारा बेटा, यो मारा गुमान। हाँ जी पापा जी, आपका वीर, आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही। सब गुरु जी का आशीर्वाद है बेटा। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। माँ, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है, ऑफिस का बहुत काम पड़ा हुआ है। क्यों बार बार बाहर जाने की जिद कर रहे हैं बेटा? हमारे घर में किसी चीज की कमी है? क्यों बार बार बाहर जाने को कह? आसपास में हमारा रुतबा बहुत है बेटा, किसी में मजाल जो हमसे ऊंची आवाज में बात करे। पर बेटा, तुम बार बार बाहर जाने की जिद करते हो ना, मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो तुम? आपके पास तो आपकी बहू तो है ख्याल रखने के लिए। अब मैं जाऊं? ठीक है पापा जी। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखना। ठीक। सुनो, मेरी शर्ट ले आना। आई वीर, क्या आप हमेशा हमसे यूं ही प्यार करते रहेंगे? पागल हो आप, जान हो आप हमारी, हम आपसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर आप हमसे प्यार करते ना, तो यूं ही हमें छोड़ के ना जाते। प्यार कोई दिखावा नहीं जो हमेशा जताया ही जाए, वादा है ये हमारा आपसे, हम आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देंगे। और रही फिर अकेले रहने की बात, तो मम्मी पापा हैं ना यहाँ पे, अब मैं जाऊं। बहू, वीर के चक्कर में तो हम मम्मी पापा को चाय देना भूल ही गए। बहू, अरे कहाँ मर गई? वीर के जाने के बाद तो हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। मम्मी जी चाय ला। इतनी देर लगा दी, अभी तक कहाँ मर गई थी? फालतू की बातों में ध्यान ना लगाकर हमारा भी ख्याल रख लिया कर। मम्मी जी, वो वीर। क्या वीर वीर लगा रखी है? हमारे और हमारे बेटे वीर के बीच में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे और हमारे बेटे वीर के बीच में दखल अंदाजी ना करें। चलो छोड़िए, आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है मम्मी जी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। हाँ रोबिन। हाँ बस 10 मिनट में हो रहा है। अभी आ रहा हूँ। हेलो वीर। हाँ शिवानी। मैं भी आपसे ना थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं भी बिजी हूँ।
सुनो लक्ष्मी, हमें लगता है घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। जरा देखो बहू को। ये बात तो ठीक है, हम बहू का सुबह टेस्ट करवाएंगे, पता तो चले लड़का है या लड़की। पर हम कुछ समझे नहीं, क्या मतलब? आपको समझने की जरूरत नहीं है, पैसे दिए और काम खत्म। पर भाग्यवान, ये काम कैसे होगा? हमारा वीर तो है नहीं अभी। वीर नहीं है, जभी तो मैं कह रही हूँ, वीर होता तो ये काम कभी नहीं होने देता। अर्नव, दादी और चाची कहाँ गई हैं? दादी चाची को लेके हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल गई है? ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी बहू पेट से है, आप एक बार चेक करके बताओ लड़का है या लड़की। देखिए मैडम, ये काम गैर कानूनी है, ये काम मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब छोड़िए, सारे काम होते हैं, पैसा बताओ, पैसा कितना पैसा चाहिए आपको? ठीक है मैडम, मैं 5 मिनट में बताता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? देखिए मैडम, आपको जो शक था वही है। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपको पता है ना क्या करना है? पैसों की चिंता मत करना, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है मैडम, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। हाँ मैडम, आपकी बहू तो अंदर नहीं है। हैं? कहाँ गई डॉक्टर साहब? मेरी बहू कहाँ गई? वीर, मुझे यकीन नहीं था तुम आ जाओगे। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारा हर मुश्किल वक्त में साथ दूंगा।